नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री क्षत्रिय युवक संघ का 77वां स्थापना दिवस है आज, और आप सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष स्थापना दिवस पर जो हीरक जयंती समारोह था, लाखों की संख्या में राजपूत वहां पर एकत्रित हुए थे। जो आप देख सकते हैं ये पिछले वर्ष की तस्वीरें, कम से कम 3 से 5 लाख के बीच में ये बताया गया था ये लोग यहाँ पर जिस तरीके से सभी एकत्रित हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये शुभकामनाएं सभी दिग्गज नेताओं ने, चाहे वो प्रताप सिंह खाचरियावास हो, राजेंद्र राठौड़ हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, दिया कुमारी हो, चाहे युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी हो, और बाकी अन्य सभी नेताओं ने भी आज 77वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। श्री क्षत्रिय युवक संघ जो कि एक ऐसा संगठन है जो संस्कार और समाज में कुरीतियों के खिलाफ और बुराइयों के खिलाफ लड़ने वाला और युवाओं में संस्कार भरने वाला एक ऐसा क्षत्रिय संगठन है जो हमेशा समाज में वैचारिक समानता और सद्भाव की भावना को लेकर कार्य करता है। और क्षत्रिय युवक संघ का हीरक जयंती समारोह आप देख सकते हैं पूरे देश में छा गया था, जब लाखों की संख्या में एक छत्र के नीचे लाखों राजपूत पधारे थे, छत्राणियाँ थी, साथ में बुजुर्ग, युवा, बच्चे, महिलाएं सभी इसमें शामिल थे। और आप देख सकते हैं केसरिया हो गया था उस दिन जयपुर, और जयपुर में एक इतिहास बना था श्री क्षत्रिय युवक संघ के तत्वाधान में जिस तरीके से हीरक जयंती समारोह मनाया गया था। और उस हीरक जयंती समारोह में 75 वर्ष पूर्ण हुए थे और 76वां स्थापना दिवस था वो। 75 वर्ष पूर्ण होने पर हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज राजनेता पधारे थे, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, चाहे जितने भी राजनेता हैं, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, किसी से भी थे, चाहे सामाजिक नेता हो, सभी लोग इस हीरक जयंती समारोह में पधारे थे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस हीरक जयंती समारोह को मनाया गया था। बाकी की न्यूज अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।